हेलो एवरीवन वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी बाय जीसी सी की इसके चैप्टर नंबर नाइनटीन में हम लोग आ चुके हैं जो वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट या फिर मेडिटेनियन क्लाइमेट के बारे में बात करता है और आज हम लोग जो है इसका फोर्थ पार्ट यानी कि चौथा पार्ट देखेंगे पिछले पार्ट में हम लोगों ने बात करी कि इस क्लाइमेट में या इस रीजन में किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है उसके बारे में बात करी है आज हम लोग जो है बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कि इस मेडिटेरन वाले रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मेडिटेरियन रीजन की अगर हम बात करें तो डिस्पाइट दी सेमी एरिड कंडीशन ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ द मेडिटेरियन लैंड द क्लाइमेट एज अ होल इज फेवरेबल यानी कि बहुत सारे जगहों पर सेमी एरिड कंडीशन है पूरी तरीके से एरिड तो नहीं है पूरी तरीके से एरिड तो आपकी डेजर्ट वाली होती है है ना तो सेमी एरिड कंडीशन है उसके बावजूद भी यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी फेवरेबल है इसके जो समर्स हैं दे आर वार्म एंड ब्राइट बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है समर्स आर हॉट हॉट नहीं कहेंगे उसको हम वार्म कह सकते हैं वार्म एंड ब्राइट समर्स और कूल मॉइस्ट विंटर्स क्योंकि बरसात जो है जो रेन है वो विंटर्स में हो रही है तो इसलिए दे आर मॉइस्ट एंड कूल तो इससे क्या है कि इनेबल अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड इसलिए यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स वगैरह जो है वो उगाई जा सकती हैं वेजिटेशन हालांकि यहाँ का हमने देखा कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था लेकिन क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं तो वन मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द मेडिटरियन शोरलैंड वर वंस द्रेडल ऑफ दी वर्ल्ड सिविलाइजेशन यानी कि यहाँ पर एक टर्म दिया गया है कि कभी ऐसा हुआ करता था कि ये जो मेडिटेनियन की शोरलैंड है शोरलैंड मतलब जो तट के पास वाली जो जगह थी उनको क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन बोला जाता था क्रेडल मतलब एक तरीके से जो छोटे बच्चे का झूला होता है जिसमें से बच्चे का जीवन शुरू होता है है ना उस क्रेडल में से उस बच्चे का जीवन आगे बढ़ता है शुरू होता है बचपन उस पर रहता है वो उसी तरीके से इस मेडिटेनियन शोरलैंड को क्रेडल ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन बोला जाता था यानी कि विश्व में जो सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ वो यहीं से हुआ ऐसा मानना है कुछ लोगों का तो इसलिए इसको क्रेडल ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन बोला जाता है अब आज की डेट में ये जो एरिया है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्रूट कल्टीवेशन यानी कि यहाँ पर काफी ज्यादा फल वगैरह जो है वो उगाए जाते हैं सीरियल उगाए जाते हैं वाइन बनती है यहाँ पर वाइन मतलब शराब और इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर है एज वेल एज इंजीनियरिंग एंड माइनिंग भी यहाँ पर होती है तो इनमें से कुछ के बारे में हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर फ्रूट कल्टिवेशन है तो इसीलिए सबसे पहले आ जाएगा ऑर्चार्ड फार्मिंग द मल्टेनियन लैंड आर नोन एज दी वर्ल्ड्स ऑर्चार्ड लैंड्स इनको वर्ल्ड की ऑर्चर्ड लैंड्स बोलते हैं अ वाइड रेंज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स सिट्रस फ्रूट्स मतलब जो खट्टे फल होते हैं जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है जैसे कि ऑरेंजेस लेमन्स लाइम्स सिट्रॉन्स ग्रेप फ्रूट ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं द फ्रूट ट्रीज़ हैव लॉन्ग रूट्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम कंसिडरेबल ड्रैप्ट ड्यूरिंग द लॉन्ग समर ड्राउट और ये बात तो मैंने आपको पहले बताई भी है कि जो भी ऐसे पेड़ पौधे होंगे जिनकी रूट्स यानी कि जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होंगी वो यहाँ पर नहीं उग सकती मेडिटेरेनियन वाले रीजन में क्योंकि सूखा है रीजन है ना कंपेरेटिवली और गर्मियों के दिनों में जब सूखा पड़ता है जब ड्राउट पड़ता है तो वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स का ड्राउट रहता है तो इसीलिए डीप डाउन जो ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी रूट्स कैसी होनी चाहिए काफ़ी लंबी और गहरी होनी चाहिए इन एक्सेप्शनली ड्राई एरियाज़ कुछ ऐसे ड्राई एरियाज हैं जहाँ पर इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है टू रिलीव द लैक ऑफ मॉइस्चर यानी कि जहाँ पर मॉइस्चर बहुत ही कम है तो वहाँ पर फिर इरीगेशन या सिंचाई की जरूरत पड़ती है इन द ग्रेट वैली ऑफ कैलिफोर्निया इन द वेल ऑफ चिली द नेगेव डेजर्ट ऑफ इसराइल एंड द नॉर्दर्न शोर्स ऑफ मेडिटेनियन यूरोप एन इलेबोरेट सिस्टम ऑफ इरीगेशन कैनाल्स इनेबल्स ग्रोथ फ्रूट्स एंड सीरियल्स टू बी सक्सेसफुली रेस्ट यानी कि इन सारे क्षेत्रों में इन सारे एरियाज़ में क्या है कि इरीगेशन का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है इसकी वजह से यहाँ पर फ्रूट्स भी उग रहे हैं और सीरियल्स वगैरह जो है वो भी उग रहे हैं द थिक लेदरी स्किन ऑफ द सिट्रस फ्रूट्स प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपेरेशन एंड द लॉन्ग सनी समर इनेबल्स द फ्रूट टू बी राइपेंड एंड हार्वेस्टेड अब आपने जितने भी ये सिट्रस फ्रूट्स मैंने बताए उनमें से आपने क्या देखा है लेमन देखा होगा है ना अब ये सिट्रॉन या ग्रेप फ्रूट तो पता नहीं देखा है कितने लोगों ने नहीं देखा लेकिन जो कॉमन है लेमन देखा होगा आपने आपने ऑरेंज देखा होगा संतरा तो उस पर आपको एक चीज़ पता है कि जो उनका स्किन होती है मतलब जो बाहर का छिलका होता है वो काफ़ी ज्यादा थिक होता है है ना और बाहर से वो लेदरी भी होता है लेदरी मतलब एक तरीके से आप कहिए कि थोड़ा सा शाइनी या थोड़ा सा चम चमक वाला होता है उसकी वजह से क्या है कि एक तो उसका जो ट्रांसपेरेशन है उसको प्रिवेंट करेगा ट्रांसपेरेशन मतलब कि उस पर से जो वाटर लॉस होना है उसको रोकेगा और साथ ही साथ गर्मियों के दिनों में उससे क्या होगा कि वो जल्दी राइपन हो जाएगा और उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ों के लिए वो उसकी जो छिलका है जो स्किन है वो थोड़ा सा मोटा होता है थिक होता है द वेरियस मेडिटेनियन औरजेज आर सो डिस्टिंक्टिव इन देअर शेप साइज टेस्ट एंड क्वालिटी दैट दे आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स इन देअ एरिया ऑफ प्रोडक्शन यानि कि मेडिटेनियन के रीजन में जो संतरे उगते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो अलग अलग शेप साइज टेस्ट और क्वालिटी के लिए है के होते हैं कि इसलिए उनको अलग अलग एरिया में जहाँ पर भी वो उगते हैं उनके हिसाब से अलग अलग नाम उनको दिया जाता है तो ऑफ द मेडिटेरेनियन ऑरेंजेस परहैप्स द बेस्ट नोन आर दी सनकिस्ट ऑरेंजेस फ्रॉम कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया के सनकिस्ट ऑरेंज जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है फेमस है एक्सपोर्टेड फॉर टेबल कंजम्पशन एंड फॉर मेकिंग ऑरेंज स्क्वैश टेबल कंजम्पशन मतलब आप उसको खुद खाते हैं और उसमें से स्क्वाश यानी कि जूस वगैरह जो है वो बनाते हैं उसके लिए वो फेमस है उसके बाद स्पेन के सेवाइल ऑरेंजेस हैं दे आर स्मॉल वो थोड़ा से छोटे होते हैं बट वेरी स्वीट और बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और पर्टिकुलरली उनका यूज किया जाता है मरमलेट बनाने के लिए मरमलेट मतलब होता है मुरब्बा मुरब्बा बनाने के लिए उनका यूज करते हैं इसके बाद इसराइल से आते हैं जाफा ऑरेंजेस दे आर इक्वली डिलीशियस वो भी बराबरी के ही जो है टेस्टी होते हैं डिलीशियस होते हैं और उनको जो है एक्सपोर्ट करने के लिए उगाया जाता है ताकि एक बार वो उग जाए उनकी फसल हो जाए तो उनको फिर क्या करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे इन द टियर्स द टेंगरिन इज ऑफ ग्रेट लोकल इंपॉर्टेंस टेम्परेट मानसून लैंड ऑफ चाइना और जापान में हम बात करें विच वर इनफैक्ट दी नेटिव होम ऑफ दी ऑरेंजेस पहले ये यहाँ पर ऑरेंजेस जो हैं वो नेटिव पाए जाते थे अब यहाँ पर कॉमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ द फ्रूट इज़ लेस सिग्निफिकेंट एंड ओनली इन रिसेंट ईयर देर हैज़ बीन मैनी सीरियस एफर्ट्स टू पॉपुलराइज देयर एक्सपोर्ट एज मैंडर इन ऑरेंजेस यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नेटिव जगह थी चाइना और जापान जो थे जो ऑरेंजेस uh, के नेटिव माने जाते थे यहाँ पर कॉमर्शल कल्टिवेशन जो था वो ज़्यादा नहीं हो रहा था और पिछले कुछ सालों में ही कुछ ऐसे सीरियस एफर्ट्स किए गए हैं कि अब यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और उनको मैंडेरिन ऑरेंजेस के नाम से जो है एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है जो मड मडिटरनियन लैंडस है दे अकाउंट्स फॉर सेवेंटी परसेंट ऑफ़ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स जो सिट्रस फ्रूट्स या खट्टे फल है उनका जितना भी निर्यात होता है पूरे के पूरे विश्व में उसमें से 70 परसेंट जो है वो मेडिटेरेनियन के रीजन से ही होता है इसके बाद जो ऑलिव ट्री है ऑलिव का मतलब होता है जैतून हिंदी में उसको बोलते हैं जैतून है ना वो छोटा सा ब्लैक कलर का एक फ्रूट सा होता है मतलब पहले तो ग्रीन सा दिखता है बाद में जब वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो फिर वो ब्लैक सा हो जाता है ये प्रोबेबली द मोस्ट टिपिकल ऑफ ऑल मेडिटेरेनियन कल्टिवेटेड वेजिटेशन है इट इज़ सो हार्डी एंड लॉन्ग रूटेड दैट इट कैन सर्वाइव इवन ऑन वेरी पुअर लाइम स्टोन सॉइल्स विथ लेस देन टेन इंचज़ ऑफ एनअल रेनफॉल यानी कि ये इतना ज़्यादा हार्ड और लॉन्ग रूटेड इसका जो पेड़ है वो होता है ट्री है कि वो लाइम स्टोन सॉइल में जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है जहाँ पर न्यूट्रिय बिल्कुल भी नहीं है बारिश दस इंच से कम की भी अगर एनवल रेनफॉल होगी तो वहाँ पर भी ये उग जाएगा साथ ही साथ जैसे हमारे पास कोकोनट या पालम के ट्रीज़ होते हैं द ऑलिव ट्रीज़ इज़ वेरी वर्सटाइल ऑलिव ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है और इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं ऑलिव को जो है वो फ्रेश खाया जा सकता है या फिर इसको स्पाइसेस के साथ पिकल किया जा सकता है मतलब मसाले वगैरह डाल के इसमें स्पाइसेस ये पिकल मतलब अचार बनाया जा सकता है इसका जो फ्लैशी पार्ट है फ्लैशी पार्ट मतलब जो इसका गूदा होता है उसको क्रश करके उसको क्रश करके ऑलिव ऑयल निकाला जा सकता है यह एक वेल्यूबल सोर्स है कुकिंग ऑयल का इन रीजन डेफिशियंट इन एनिमल पिछले पार्ट में बताया था कि इस रीजन में कैटल रियरिंग नहीं है एनिमल नहीं है तो एनिमल ऑयल या वेजिटेबल फैट भी आपको सॉरी एनिमल फैट भी आपको नहीं मिलेगा तो इसीलिए ऑलिव ऑयल को जो है यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल की तरह या कुकिंग ऑयल की तरह यूज, यूज किया जाता है इसके बाद इसी में से सोप या मार्ग्रीन जो है सोप एंड मार्ग्रीन इसको भी बनाया जा सकता है इस ऑयल से सोप मतलब तो साबुन है मार्गरिन मतलब काइंड ऑफ बटर जिसमें थोड़ा सा फैट वगैरह कम होता है दैट इज नोन एज ऑलिव्स के साथ साथ यहां पर बहुत सारे नट के ट्रीज भी हैं जैसे कि चेस्ट नट वॉलट हेजल नट आलमंड उगाए जाते हैं और नट्स को जो है दे आर पिक्ड एज फ्रूट्स है ना या तो फिर इनको फ्रूट्स की तरह यूज करते हैं या फिर चॉकलेट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चॉकलेट्स आती हैं जिनमें क्या क्या होता है आलमंडस हेजल नट वालनट ये सब है ना फ्रूट एंड नट टाइप की जो चॉकलेट आती है उनमें अदर इंपॉर्टेंट फ्रूट्स आर पीचेस आड़ू होता है देन वी हैव एप्रिकॉट पियर्स प्लम्स चेरीज फिज फिक्स मतलब अंजीर ये तरीके के सारे के सारे और फ्रूट्स भी यहाँ पर होते हैं अब इसके बाद क्रॉप कल्टिवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिसाइड्स ऑर्चर्ड फ्रूट्स द मल्टीटरिनियन क्लाइमेट ऑल्सो सपोर्ट्स मैनी फील्ड क्रॉप्स यहाँ पर कुछ फसलें भी होती हैं जैसे सीरियल्स सीरियल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से भी वीट इज द लीडिंग फूड क्रॉप वीट जो है यानी कि गेहूं जो है वो सबसे ज्यादा यहां पर पाया जाता है दो कंडीशन फॉर एक्सटेंसिव वीट कल्टिवेशन आर नॉट एज आइडियल एज दो कूल टेम्परेट रीजन द मेडिटेरेनियन फार्मर्स हैव यूटिलाइज द सीजनल क्लाइमेटिक रिदम टू देयर बेस्ट एडवांटेज हालांकि वीट उगाने के लिए जो कंडीशन चाहिए क्योंकि वीट आपको पता है इंडिया में भी अगर हम बात करें तो वीट इज अ राबी क्रॉप राबी क्रॉप मतलब जो सर्दियों में उगती है अब यहाँ पर सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं है तो इसलिए जो कंडीशंस हैं वो बहुत बेटर तो नहीं है लेकिन हाँ जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो उसका जो एक सिस्टमेटिक क्लाइमेटिक रिदम है मतलब जो सीजनल एक पैटर्न बना हुआ है कि इस समय सर्दी होगी तो उसी का फार्मर एडवांटेज लेते हैं और उसी के हिसाब से वो लोग यहाँ पर वीट जो है वो उगाते हैं तो ये इसीलिए लिखा है कि वीट इज़ ग्रोन इन मेनली हार्ड एंड विंटर है ना विंटर वीट में इसको विंटर के समय पर उगाते हैं इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ ब्रेड मेकिंग एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स सच सचेज मैक्रोनी इस्फेगेटी वर्मिसेली ये सब जो है वीट से बनता है ब्रेड मतलब आप उसकी ब्रेड जो खाते हैं वो कह सकते हैं रोटी जो है वो कह सकते हैं वो बनती है उससे और कुछ फूड प्रोडक्ट जैसे कि मैक्रोनी मैक्रोनी आप सभी लोगों ने खाई होगी मैक्रोनी बनती है स्फेगेटी बनती है वर्मिसेैली का मतलब होता है जो सिवई आप खाते हैं दैट इज नोन एज वर्मिसेैली वो भी इससे बनती है ठीक है इसके बाद आगे देखिए द फार्मर्स यूजअली सो द सीड्स इन ऑटम यानी कि फार्मर्स क्या करते हैं इसका जो सीड है इसका जो बीज है वो ऑटम में डालते हैं ताकि वो प्रॉपरली क्या हो जाए जर्मिनेट हो जाए और जब विंटर में बारिश हो तो उस समय फिर वो स्टेडिली जो है ग्रो करते रहे स्प्रिंग आने तक देयर इज स्टिल सफिशियंट मॉइस्चर फॉर द वीट टू मेच्योर उस समय भी ऑटम कब होगा जब आपका सर्दियाँ आएंगी उससे पहले ऑटम होगा यानी कि जिस समय पजझड़ जिसको हम बोलते हैं फिर विंटर आएगा और विंटर के बाद आपका जब बसंत ऋतु आती है यानी कि जब विंटर जाएगी और उसके बाद जब समर आना शुरू होगा तो उसके बीच का जो समय होता है दैट इज नोन एज ऑटम स्प्रिंग स्प्रिंग के सीजन में भी क्या होगा कि सफिशियंट मॉइस्चर रहेगा तो उस समय भी वीट जो है वो मेच्योर हो सकता है अब वीट को पकने के लिए वीट की जो बालियां हैं अगर किसी ने ऐसे आप पे से देखी हैं जहाँ आपको पता है कि जो गेहूं की बालियां हैं उनको पकने के लिए सनी वेदर यानी कि सूरज की गर्मी चाहिए होती है तो जिस समय अर्ली समर होगा मतलब जब आपका स्प्रिंग सीजन खत्म होगा और उसके बाद जैसे गर्मी का सीजन शुरू होगा तो उस समय जो सनी वेदर होगा उससे क्या है कि ग्रेन्स जो वीट की ग्रेन्स हैं वो पक जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ गेहूँ की जो बालियाँ हैं वो पक जाएंगी और उसके बाद वीट को हार्वेस्ट किया जाएगा इन ऑलमोस्ट गारंटेड रेनलेस वेदर क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि जब गर्मी शुरू हो गई तो बारिश तो वहाँ पर होगी नहीं ये तो पता है तो हमें ये चीज़ पता है कि रेनलेस वेदर है उसकी गारंटी है उस समय उसको हार्वेस्ट किया जाएगा क्योंकि गेहूं की फसल जब काटी जाएगी खेतों में तो कुछ दिनों तक फिर वो फसल होता है कि या कुछ समय तक वो फसल खेतों में रहती है क्यों क्योंकि सारी की सारी फसल एक साथ काट के उसको आप हटा नहीं सकते है ना तो इसलिए वहाँ पर बारिश नहीं चाहिए गेहूँ की कटाई के समय अगर बारिश हो गई तो समझिए कि गेहूँ की फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी तो इसीलिए ये ऐसे समय में उसकी हार्वेस्ट करते हैं जब इनको गारंटी है या इनको भरोसा है कि अब बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी तो वीट जो है वो सबसे पॉपुलर क्रॉप है या सीरियल क्रॉप है और उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है बार्ले वो इसकी नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर सीरियल यहां पर देखने को मिलती है इसके बाद समर क्रॉप्स आर रेस्ड ओनली वेयर इरीगेशन इज पॉसिबल क्योंकि समर में तो आपको पता है कि वैसे तो बारिश होनी नहीं है ड्राई समर है तो समर में क्रॉप्स वहीं पर हो सकती है जहां पर हमारे पास इरीगेशन या सिंचाई की व्यवस्था होगी द वॉटर कम्स मेनली फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो दैट फीड्स द मेनी रिवर्स सोर्सेज आर इन दी हाईलैंड अब गर्मियों के समय में जो पानी हो सकता है वो कहाँ से आएगा नदियों में पानी वहाँ से आएगा जो जिन नदियों का सोर्स किसी हाईलैंड पर या किसी पहाड़ी इलाके पर होगा वहाँ पर कुछ बर्फ़ वगैरह होगी तो वो पिघलेगी और उससे ही पानी जो है उन नदियों में आएगा लो लैंड्स जो है उनमें इंटेंस कल्टिवेशन की जाएगी और जो हिल स्लोप्स है वहाँ पर टेरेस फार्मिंग होगी वहाँ पर वो श्रीडीनुमा खेत बनाए जाएंगे स्पेन और इटली में क्या करते हैं कि जो टेरेसेस के एज हैं मतलब जो कोने हैं वहाँ पर पत्थर लगा देंगे फर्मली जो है उनको पत्थर से जो है अटकाएंगे ताकि क्या हो कि अगर कभी भी कुछ बारिश वगैरह हो तो सॉइल जो है वो धुले ना पूरी की पूरी सॉइल बहेगी नहीं तो उससे क्या है कि सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बने रहेंगे तो वहां पर इस तरीके के स्टोन्स वगैरह उसमें लगा देते हैं जनरली स्पीकिंग फार्म्स आर स्मॉल बट देयर आर ऑल्सो लार्ज होल्डिंग्स कॉल्ड हेसियास इन स्पेन विच इंगेज लार्ज नंबर ऑफ पेड लेबरर्स टू वर्क द फार्म्स मतलब जनरली तो हम यहाँ पर बात करें तो जो फार्म्स है जो खेत का साइज है वो छोटा होगा लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी स्पेन में जैसे दिस नाम के कुछ लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं लार्ज होल्डिंग मतलब कोई बहुत बड़ी जमीन है जहाँ पर पेड लेबर जो है वो काम करते हैं इन अ फ्यू लोकेलिटीज जैसे कि एब्रो बेसिन इन स्पेन पो वैली इन इटली एंड इन कैलिफोर्निया राइस हैज़ बीन सक्सेसफुली कल्टीवेटेड एंड देर रील्स आर सम ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पर राइस यानी कि चावल या धान की खेती जो है वो भी की जाती है और उसकी जो पैदावार है जो यील्ड है वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड है इन द मोर फर्टाइल प्लेन जहां पर थोड़ा सा फर्टिलिटी ज्यादा है वहां पर वेजिटेबल भी उगाई जाती है उसमें से भी क्या बीन्स हैं फ्लावर्स हैं दे आर ग्रोन फॉर द लोकल मार्केट थोड़ा बहुत कॉटन यानी कि जो आपका कपास है वो रुई जिसको बोलते हैं कपास और टोबैको यानी कि तंबाकू भी उगाया जाता है जो माउंटेन पास्चर्स हैं विथ देयर कूलर क्लाइमेट माउंटेन पास्टर्स मतलब पास्टर्स मतलब मैंने आपको बताया कि जहां पर पशुओं को चराते हैं है ना जो पशुओं के चार, चारा खाने की जगह होती है दैट इज नोन एज पास्टर्स और वो भी कूलर क्लाइमेट में क्यों क्योंकि वो माउंटेन में है वो हाई एरियाज में होंगे तो थोड़ा सा ठंडे होंगे वहां पर फ्यू शीप्स गोट्स एंड सम इनको थोड़ा बहुत ये जगह सपोर्ट करती है। और वहां पर मैंने आपको बताया है एक टर्म पहले भी कि ट्रांस ह्यूमेंस इज़ वाइडली प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमेंस का मतलब क्या होता है कि सर्दियों के समय में वो लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं लो एरियाज़ में फिर जब गर्मी पड़ती है तो वापस वो हिली एरियाज़ में चले जाते हैं अपने कैटल वगैरह के साथ तो दैट इज़ नोन एज ट्रांस ह्यूम ठीक है तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ऑर्चार्ड में फ्रूट्स वगैरह उग रहे हैं फिर क्रॉप की बात हमने कर ली अब हम बात करेंगे जो तीसरा यहाँ का एक मेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या जो मेन इकोनॉमी का सोर्स है दैट इज़ योर वाइन प्रोडक्शन यहाँ पर शराब जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है दिस इज़ अनदर स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेनियन कंट्रीज बिकॉज द बेस्ट वाइन इज असेंशली मिल्ड फ्राम ग्रेप्स है ना वैसे तो वाइन के आपको और भी चीज़ें पता होंगी कि वीट वगैरह बारले वगैरह से भी जो है वाइन वगैरह बनती है लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी की वाइन होती है वो ग्रेप्स से ही बनती है तो इसीलिए मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में ये वाइन प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा है सम 85 फाइव परसेंट ऑफ द ग्रेप्स प्रोड्यूस्ड गो इन टू वाइन यानी कि जितना भी यहाँ पर ग्रेप्स उगाए जाते हैं ग्रेप्स मतलब अंगूर अंगूर की जितनी भी यहाँ पर खेती होती है उसमें से लगभग पिचासी प्रतिशत जो है वो वाइन बनाने में ही यूज होता है द लॉन्ग सनी समर्स अलाउ द ग्रेप्स टू राइपन एंड वेन दे आर हैंड पिक्ड ठीक है पहले होता क्या है कि जब गर्मी पड़ती है तो उस समय जो अंगूर होते हैं वो पकते हैं और उसके बाद उनको हाथ से तोड़ा जाता है तो विटिकल्चर इज बाय ट्रेडिशन आ मल्टेरेनियन ऑक्यूपेशन एंड द रीजन बॉर्डरिंग द मेल्टेनियन सी अकाउंट फॉर थ्री क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ वाइन विटी कल्चर इज नथिंग बट डीप ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स जो अंगूर की खेती होती है उसको विटिकल्चर बोला जाता है तो ये मल्टेरेनियन ऑक्यूपेशन का एक ट्रेडिशन है ट्रेडिशन मतलब वहां पर ये बहुत पुराने समय से चल रहा है वहां की परंपरागत ऑक्यूपेशन है ये कहाँ का मल्टेरेनियन सी के आसपास के जितने भी रीजन है और वहां से लगभग जो थ्री फोर थ्री क्वार्टर फॉर द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ वाइन यानी कि इन रीजन में जो है जितनी वाइन पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रही है उसकी थ्री क्वार्टर्स यानी कि आप कह सकते हैं थ्री फोर्थ या सेवेंटी फाइव परसेंट जो है वो कहां पैदा हो रही है इन्हीं एरियाज में जो मेडिटेरेनियन वाला रीजन है वहां पर स्पेन पोर्तुगल फ्रांस इटली में अगर आप बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वाइन इज देयर नेशनल ड्रिंक तो एवरेज वाइन कंजम्पशन है मेडिटेरेनियन कंट्रीज की वो अबाउट फिफ्टीन गेलन पर हेड पर एन एम है यानी कि एक व्यक्ति जो है वो लगभग पंद्रह गेलन शराब पीता है एक साल में फिफ्टीन गेलन मतलब वन गेलन का लगभग होता है आप कह सकते हैं थ्री पॉइंट सेवन एट लीटर के आसपास तो आप लगा लीजिए पंद्रह गेलन मतलब आप समझ जाइए कि लगभग लगभग ये त्रिपन चौवन लीटर के आसपास होगा कि एक आदमी एक साल में तिरपन चौवन लीटर वहां पर वाइन पीता है और जबकि यूएसए का एक कंपेरिजन अगर यहाँ पर दिया है कि इवन नॉट इवन वन ट्वेंटियथ एज मच यानी कि उसका एक बट्टे बीस है ना एक बट्टे बीस गुना या इस पूरे का फाइव परसेंट भी यूएसए में कंजम्पन नहीं है तो ये जो स्पेन पोर्तगल वाला रीजन है यहाँ पर वाइन का कंजम्पन बहुत ज़्यादा है इसके बाद लिखा है कि दो ऑल दो ग्रेप्स मे बी ग्रोन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द टेम्परेट लैंड्स कॉमर्शियल वेटीकल्चर इज ऑलमोस्ट एंटायरली कन्फर्न टू द मेडिटेनियन रीजन ऐसा नहीं है कि ग्रेप्स सिर्फ यहीं पर उगते हैं ये टेम्परेट एरियाज के या टेम्परेट लैंड्स में और जगह पर भी ग्रेप्स को उगाया जाता है लेकिन कॉमर्शियल विटिकल्चर जो है वो सिर्फ मेडिटेन के रीजन में ही कन्फाइंड है सिर्फ यहीं तक सीमित है इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट 40 मिलियन टन्स ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ 46 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेप्स एक्चुअली आर बीइंग प्रोसेस्ड इनटू वाइन यानी कि विश्व में एक डेटा निकाला गया है कि छियालीस मिलियन टन ग्रेप अगर प्रोड्यूस होता है एनुअल प्रोडक्शन अगर पूरे विश्व में इतना है छियालीस मिलियन टन किसका ग्रेप्स का उसमें से चालीस मिलियन टन जो है उसमें से शराब बनाई जाती है तो आप देख सकते हैं कि वाइन प्रोडक्शन में कितना ज्यादा ये यूज हो रहा है द क्वालिटी ऑफ अ फर्मेंटेड ग्रेप जूस इज डिसाइडेड अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द टाइप्स ऑफ वाइन ग्रोन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल द क्लाइमेट ऑफ द रीजन द मैथड एंड एक्सटेंट ऑफ फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन का मतलब होता है जब उसको कुछ समय तक रखा जाता है मतलब इट इज़ अ बेसिकली वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ वाइन मेकिंग तो जो फर्मेंटेड ग्रेप जूस है उसकी क्वालिटी को कैसे डिसाइड करते हैं उसको क्वालिटी को डिसाइड करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं यानी कि एक तो वाइन्स मतलब बेल वो बेल जो थी वो किस तरीके की उगी थी कैसी सॉइल में उसको उगाया गया था उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है फर्मेंटेशन करने के लिए क्या मेथड यूज़ किया गया है कितने लंबे समय तक उसको फर्मेंट किया गया है उसके हिसाब से जो फर्मेंटेड ग्रेप जूस है उसकी क्वालिटी को डिसाइड किया जाएगा द फ्रेगरेंस टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज़ सो वेरी दैट द प्राइज रेंज इज़ रिमेंडस अब अलग अलग जगह में हम देखेंगे कि जो वाइन की फ्रेगरेंस है मतलब जो उसकी स्मेल है जो उसकी टेस्ट है जो उसकी क्वालिटी है वो उसमें इतना ज़्यादा अंतर है कि उसके जो प्राइज़ रेंज है उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क है वाइन में भी एज चीप एज एनी सॉफ्ट ड्रिंक किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के बराबर सस्ती भी हो सकती है या फिर ब्रांडी के बराबर महंगी भी हो सकती है तो वाइन का जो है रेट या जो प्राइस रेंज है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है टू डिफ्रेंशिएट द वेरियस काइंड ऑफ वाइन्स द प्रिंसिपल वाइन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड मेंटेन देयर एक्सक्लूसिव नेम्स अब अलग अलग जगह की वाइन है तो अलग अलग उसके रेट होंगे तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि उसके अलग अलग नाम भी रखते हैं द वाइन फ्रॉम सदर्न स्पेन सदर्न स्पेन से जो वाइन आती है उसको शहरी बोला जाता है पोर्टुगल से जो आती है उसको पोर्ट वाइन बोलते हैं चियान्टी अस्ती एंड मार्साला कम्स फ्राम द डिफरेंट पार्ट ऑफ इटली फ्रांस में जो ग्रेटेस्ट वाइन रीजन है दे आर लोकेटेड फॉर द नॉर्थ जैसे कि पेरिस बेसिन से जो आती है दैट इज शैंपेन गैरोन बेसिन से जो आती है दैट इज बॉल्डियक्स और रोन सोन वैली से जो आती है रोन वैली मैंने आपको बताया था फ्रांस में है जहाँ वहाँ से जो शराब आती है जो वाइन आती है दैट इज बर्गेंडी इसके बाद दो तो वर्ल्ड ट्रेड इन फ्रेश ग्रेप्स इज कम्पेरिटिवली स्मॉल फ्रॉम मेडिटेनियन साउथ अफ्रीका अब देखिए यहां का तो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया कि वो वाइन बनाने में ही यूज़ हो रहा है अब हम अगर साउथ अफ्रीका में चले जाएं जो हमारा केप टाउन वाला रीजन था ध्यान रखेंगे वो भी एक मेडिटेरेनियन रीजन ही है इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग तो वहां से जो फ्रेश ग्रेप्स का वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है जो विश्व व्यापार हो रहा है वो काफ़ी कम है मोस्ट ऑफ द इन्फीरियर ग्रेप्स को प्रिजर्व किया जाता है एज ड्राइड ग्रेप्स और उनको एक्सपोर्ट करते हैं इन्फीरियर ग्रेप्स मतलब जिनकी क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी नहीं होती है उनको प्रिजर्व करते हैं एज ड्राइड ग्रेप्स यानी कि सूखे ग्रेप्स की तरह आपने एक चीज़ खाई होगी जिसको बोलते हैं किशमिश है ना किशमिश आई थिंक आप सभी लोगों ने खाया होगा किशमिश या जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रेजन है ना वो भी कुछ नहीं है दैट इज ऑल्सो अ ड्राइड ग्रेप वो सूखा हुआ अंगूर होता है तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है जैसे लेवेंटियन ग्रेप्स जो है वो करेंट के नाम से जानते हैं कैलिफोर्निया से जो आते हैं दे आर नोन एज रेजेंस और एशिया माइनर मतलब जो टर्की वाला रीजन है उससे से जो इस तरीके के आते हैं ये ड्राइड ग्रेप्स उनको बोलते हैं सुल्तानास ठीक है तो रेजन मतलब आप समझ गए किशमिश वो कुछ नहीं है दैट इज वन ऑफ दी ड्राइड ग्रेप्स इसके बाद कुछ अदर इंडस्ट्रीज जो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर से संबंधित है वो है फ्रूट कैनिंग फ्रूट कैनिंग मतलब कि फलों को कैन में प्रिजर्व करते हैं है ना दैट इज नोन एज फ्रूट कैनिंग फ्लोर मिलिंग मतलब आटा चक्की वगैरह वाला काम भी यहाँ पर है और फूड प्रोसेसिंग मतलब फूड प्रोसेसिंग मतलब कि फूड का जैसे फ्रूट क्रॉप है या कुछ भी ऐसी चीज है तो उसको प्रोसेस करके जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑरेंजेस हैं तो उसका स्क्वैश बना दिया या ऑरेंज का जो है मुरब्बा बना दिया तो दैट इज अ काइंड ऑफ वो क्या है दैट इज फूड प्रोसेसिंग ऑलिव है तो ऑलिव का आपने पिकल बना दिया दैट इज ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग तो ये सारा का सारा जो चीज़ है इस तरीके की इंडस्ट्रीज भी वहां पर काफ़ी पाई जाती है तो बेसिकली यहाँ पर एक तो फ्रूट के ऑर्चार्ड हैं क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा है वाइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और यही सारी चीज़ें जो है वो यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सारे डायमेंशन को कवर करती हैं तो आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर नंबर नाइनटीन था वो भी कंप्लीट हो गया है अब इस बुक में सिर्फ छः चैप्टर बचे हैं हमने 12, 13 से, से लेकर 19 तक यानी कि सात चैप्टर कर लिए हैं हाफ ऑफ द बुक कंप्लीट हो चुकी है छः चैप्टर और बचे हैं उसको भी हम लोग जल्द से जल्द को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कोर्स जो है ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज जो है वो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कंप्लीट हो जाए तो चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे नया चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर अगले लेक्चर से दैट इज चैप्टर नंबर ट्वेंटी तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में इसको सर्च करेंगे तो आपको ये ग्रुप मिल जाएगा फुल कोर्स में आप लोगों ने एनरोल किया हुआ है आप लोग अपने और फ्रेंड्स वगैरह को भी जो है बता सकते हैं कि जो यूट्यूब पर हमारा कोर्स आ रहा है इसका जिसमें सिर्फ एक एक वीडियो आपको मिल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ के थ्रू आप लोग इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ आप ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा कोर्स को एक्सेस करने में परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ई मेल आई डी सपोर्ट एट द रेट ओकल डॉट सी ओ पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक इंस्टाग्राम लिंकड और ट्विटर का भी यूज़ कर सकते हैं और हमें अपने फीडबैक्स या सजेशंस जो भी है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ थैंक यू हैवराइज डे बाय